अभी यहाँ पर उन्होंने 27 पॉइंट्स दिए हैं, जो मेजर 27 पॉइंट्स है, उसमें 10 पॉइंट हायर एजुकेशन के लिए है, 10 पॉइंट जो हमारे स्कूल है उसके लिए है, और 7 जो पॉइंट्स है वो दोनों के लिए लागू होते हैं। तो इन पूरे की चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को रिलेटेड है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से ही यहाँ पर हायर एजुकेशन में जाना होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है, वो है हमारा जो 10+2+3+2 का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर बदल दिया गया है, और उसकी जगह पर यहाँ पर 5+3+3+4 इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर किया गया है। मतलब पाँचवीं, उसके बाद में आठवीं, उसके बाद में ग्यारहवीं, और उसके बाद में आपको 4 साल की डिग्री ये मिलने वाली है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो चुका है, 5, 3, 3 और 4 इस तरह से हमारा जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। 10+2 का जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है, इस तरह से हमें अभी ये स्ट्रक्चर लागू करना होगा। तो यहाँ पर जो है 21st सेंचुरीज की जो स्किल्स है स्कूल में वो यहाँ पर लागू की गई है। यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका मतलब है प्री प्राइमरी जो है, जिसे हम आंगनवाड़ी वगैरह कहते हैं, उस तरह का मतलब वो जो है 3 साल से यहाँ पर शिक्षा शुरू होगी, 3 से 5 और 6 साल में फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है उसमें वो बच्चा आएगा और वहाँ से आगे यहाँ पर जाएगा। तो प्री प्राइमरी जो है उसको, उस पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, उन्होंने कहा है कि नो रिजिड सेपरेशन। अभी ये जो 8 तक की जो कक्षा है या 9वीं तक की जो कक्षा है, यहाँ पर जो रिजिड जो सेपरेशन है वो नहीं दिखाई देगा आपको। आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स वगैरह जो है वो सब जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बदलने वाला है, पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर चेंज होने वाला है करिकुलम का। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कहा गया है कि जेंडर इंक्लूजन है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय है उनकी जो स्टैंडर्ड है वो 12th स्टैंडर्ड तक बढ़ाए जाएंगे। तो इससे जो हमारी विमेन है, जो गर्ल्स है, उनका इंक्लूजन इसमें हो जाएगा। उनके लिए बहुत सारी जो चीज़ें इसमें दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये हाईलाइट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो रिडक्शन ऑफ करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज गेन, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया गया है। आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे उन एग्ज़ाम में यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन उसका टेस्ट किया जाएगा, न कि जो रॉट लर्निंग है, मतलब आप रट्टा मार के जो उसमें लिखते हैं वो सब यहाँ पर बात होगा, एक अच्छी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। और वोकेशनल इंटीग्रेशन जो है इन्होंने 6वीं कक्षा से शुरू किया है, मतलब 6वीं कक्षा से यहाँ पर जो इंटरिम है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस स्कूलिंग में, और ये जो स्कूल की शिक्षा है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे जो स्कूल में हम देखते थे कि समस्याएं थी, उनको कम करने का काम इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें किया गया है। बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर। 5वीं तक आपको आपकी नेटिव भाषा में, आपकी मदर टंग में, आपकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, इसका प्रावधान इन्होंने किया है। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो वो 8वीं तक वही भाषा आप आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आगे भी हायर एजुकेशन में उसी भाषा में पढ़ना चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल होगा। अंग्रेजी या हिंदी यहाँ पर उसकी शक्ति नहीं होगी। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख ये भी बनाया जाएगा। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड ये भी इसमें एक प्रावधान उन्होंने किया है कि पूरा 360 डिग्री जो है, मतलब आपका पूरा होलिस्टिक यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसको कार्ड पर लाया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें यहाँ पर की गई है, और हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को यहाँ पर कुछ लाइफ स्किल ही लेकर वो जो स्कूलिंग की कक्षा, मतलब जो स्कूलिंग है यहाँ पर ख़त्म होगी तो कुछ स्किल उसने अर्न किए होंगे, कुछ स्किल उसको ज़रूर आते होंगे, इसका भी ध्यान इसमें रखा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने कही है, और इनका जो आउटकम है उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इस आउटकम में हमें यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम जो प्री प्राइमरी है उसका यहाँ पर करना है, अलाइन विथ SDG 4। ये है अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमर्सी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन 2025 तक। यहाँ पर हर एक छात्र को, हर एक बच्चे को जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक लिटरेसी है उसका नॉलेज
पढ़ने का नॉलेज, उसके बाद में जो बेसिक नंबर सिस्टम है उसका नॉलेज आना ही चाहिए और आना होगा। इस तरह से इसमें एक प्रावधान यहाँ पर 2025 तक किया गया है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में देखने को मिलती है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर था पहले का वो था 10+2 और उसके बाद 3 या 4। अब वो स्ट्रक्चर बदल चुका है और इसमें जो स्ट्रक्चर नया आया है वो है 5+3+3+4 इस तरह का, और इस तरह से आपकी जो सिस्टम है वो आप चलेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव अब इस जो नीति है जिसको मंजूरी मिली है इसके कारण होने वाले हैं। तो अगले समय में हम देखेंगे कि इनके जो परिणाम है वो क्या निकलते हैं, किस तरह से इसका असर यहाँ पर होता है, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें मैं और कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने ये जो टॉपिक है उसे एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, और आपको इसके बारे में अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, शिक्षा प्रेनियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो घंटा उसे आप दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।